व्हाट्स अप गाइस, दिस इज संजीव एंड वेलकम बैक टू अगेन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज एक बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है हम सभी के लिए, हमारे जो भी यूट्यूब फैमिली मेंबर्स हैं और हमारे लिए तो है ही कि गाइस हमारा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। आज के इस वीडियो में पूरा बात करेंगे कि कितना टाइम लगा, कितने दिन में आया, क्या क्या प्रॉब्लम मुझे फेस करना पड़ा। और आप भी अगर वीडियो बनाते हो यूट्यूब पे या बहुत दिन से बना रहे हो और अगर आप थक गए हो और आप सोच रहे हो कि मैं छोड़ दूंगा यूट्यूब, तो ये गलती कभी मत करना। आज के इस वीडियो में पूरा आपको बताने वाला हूँ अपना जर्नी जो है यूट्यूब का, आपको पूरा बताने वाला हूँ। तो ज़रूर से इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखते रहेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, बेल आइकन को प्रेस करेगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर करिएगा। गाइज, मैं आपको बता दूँ, बहुत सारे लोग हमारे भाई फैमिली मेंबर्स कमेंट रहते कि आपके पापा कैसे हैं। सो गाइस, पापा अभी ठीक हैं, दैट्स व्हाई हम वीडियो बना पा रहे हैं। अगर पापा सही नहीं होते तो मैं वीडियो नहीं डालता एक भी, लेकिन पापा सही हैं इसीलिए मैं वीडियो बना पा रहा हूं। और अभी आप देख सकते हो ये हमारा यूट्यूब का फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, जैसा कि आप देख लो। ये गाइस ये कितना है, ये तो यूट्यूब के पॉलिसी के खिलाफ है, मैं बता नहीं सकता कितना है। लेकिन हाँ, अगर आपको एग्जैक्ट जानना है कि कितना है ये पूरा अमाउंट, तो आप हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे मैं स्टोरी में डाल दिया हूँ कि कितना रुपए है ये पूरा एग्जैक्ट। बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन गाइज ये मतलब कि बहुत कम भी नहीं है। और ये जितना भी है ना, मेरे लिए मतलब बहुत कुछ है, क्योंकि ये पहली कमाई है यूट्यूब की। और इतना अच्छा फील होता है ना, अगर आप यूट्यूब पे एक चैनल बनाए हो या आप एक यूट्यूबर हो या यूट्यूबर बनना चाहते हो, तो जब ये आपका पहला पेमेंट आएगा ना, ये चाहे जितना भी हो, ये आपको जिस दिन मिलेगा ना, आपको इतना खुशी होगा, इतना खुशी होगा कि आप बता नहीं सकते हो। मतलब आप पागल हो जाओगे, इतना खुशी होगा आपको। और जो भी यूट्यूब पे चैनल खोलता है, इस दिन का उसको डेफिनेटली इंतज़ार रहता ही रहता है। तो मेरा ये दिन सिर्फ 3 महीने के अंदर आया था, बताऊंगा कैसे आया था। 3 महीने के अंदर मैंने चैनल खोल के, चैनल मोनेटाइज करके ये पैसा भी अर्न कर लिया है। और लोगों को इसको सालों भी लग जाते हैं, किसी को 2 साल भी लग जाता है, किसी किसी को मतलब वो थक हार के यूट्यूब ही छोड़ देता है। तो गाइज ये काम बिल्कुल भी नहीं करना है, बिकॉज आप गड्ढा खोद रहे हो, जब आप पानी निकलने वाला रहता है तभी आप छोड़ देते हो, तो वो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। आज के इस वीडियो में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही में गाइज मैं बता दूं कि अगर मेरे पापा भी मतलब ठीक रहते, उनका एक्सीडेंट नहीं हुआ रहता, तो उनको प्रॉब्लम नहीं रहती, तो इसका खुशी जो है ना, ये और मतलब मेरे चेहरे पे आपको दिखता और ज़्यादा अच्छे तरीके से, क्योंकि ये खुशी जो है, ये मतलब मेरे ज़िंदगी के लिए एक बहुत मतलब बड़ा गुड न्यूज़ है ये। और ये सभी यूट्यूबर्स के लिए होता है। तो चलो कोई बात नहीं यार, बीमार है वो तो खैर सही हो जाएंगे, और प्रॉब्लम्स तो लगी ही रहती हैं, पर जो खुशी है उसको तो भाई इंजॉय तो करना ही है। सो गाइज ये पेमेंट है मेरा पहला यूट्यूब का। गाइज मैं 3 महीना पहले यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया था। मैं शुरू क्यों किया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि लोन लेके परेशान थे, और मैं भी लोन लिया था बहुत ही ज़्यादा, तो मैं भी लोन लेके परेशान था। तो मैं सोचता था कि बहुत सारे लोग ऐसे, बीच बीच में मैं न्यूज़ पढ़ता था कि लोग सुसाइड कर रहे हैं, ठीक है, फर्जी लोन ऐप से परेशान हो गए। तो मुझे ऐसा लगा यार, मेरे को इस चीज़ के बारे में अच्छा नॉलेज है तो मैं लोगों को बताता हूँ। और बिल्कुल भी गाइज मेरे अंदर ये नहीं था, 1% भी मेरे अंदर ये नहीं था कि मुझे यहाँ से पैसा भी कमाना है। और मैं पैसा के लिए यूट्यूब पे नहीं आया था, मैं सिर्फ और सिर्फ आया था इसी के लिए कि भाई हमको लोगों को जागरूक करना है, लोग सुसाइड से बचें। पैसा तो कहीं ना कहीं वो कमाना ही था, क्योंकि देखो वो हर जो भी कुछ भी काम शुरू करता है तो उसके मन में एक छोटा सा लालच रहता है। लेकिन वो सिचुएशन ऐसा था कि मेरे अंदर ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि लोग सुसाइड कर रहे थे, लोग गलत काम कर रहे थे, लोग फर्जी लोन एप्लीकेशन से इतना डिप्रेशन में जा चुके थे, अपनी ज़िंदगी जीना छोड़ चुके थे। तो मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ उनको यहाँ से निकालना था। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं 80% तक कामयाब हूँ इस चीज़ को करने में। और हमारे वीडियो से और लोग जागरूक हुए, और आज लोगों की जान बच चुकी है, बहुत लोग अपने लाइफ को लोन लिए हैं लेकिन अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, मेरे पास कॉल आता है, मैसेज आता है। तो यही चीज़ के बारे में गाइज मैं वीडियो बनाना शुरू किया एक अच्छे इरादे के साथ। मैं कभी भी नहीं सोचा कि हमको यूट्यूब से जल्दी, मैं ये तो सोचा था कि मुझे पैसा कमाना है, लेकिन ये नहीं सोचा था कि मुझे पहले दिन से ही पैसा कमाना है। सो गाइज बस खाली आप कंटेंट पे ध्यान दो, अगर आप एक यूट्यूबर हो या अगर आप अपना यूट्यूब पे चैनल खोलना चाहते हो, तो गाइज मैं यही बोलना चाहूँगा, मुझे तो ये पेमेंट 3 महीने में मिल गया, लेकिन हो सकता है आपको 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, लेकिन उसके बाद जो आपका रेवेन्यू आएगा ना, फिर उसके बाद वो बढ़ता ही जाएगा, रुकने का नाम नहीं लेगा, बस आप लगे रहिए। और गाइस मैं यही बोलना चाहूंगा कि जिस टॉपिक के ऊपर आपको नॉलेज हो, सिर्फ उसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बनाना, क्योंकि अगर आप किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओगे तो आपको वहां पे कॉपी करना होगा दूसरे का वीडियो, और कॉपी करके मुझे नहीं लगता कि आप ज्यादा दिन तक सर्वाइव कर सकते हो यूट्यूब में, ठीक है। तो आपको जिस चीज के बारे में नॉलेज है उस चीज के बारे में आप वीडियो बनाओ, ज्यादा लोगों को नॉलेज दो। और गाइस मैं बोलना चाहता हूं कि कभी भी हार मत मानना, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दिए हो तो इस चीज को लेके ही मानना, जब तक आपका पेमेंट आए ना, आप छोड़ना मत यूट्यूब
YouTube एकदम जिद पे आ जाना कि हाँ मुझको पेमेंट पाना है और मुझे पैसा कमाना है YouTube से। अगर आप चाहते हो एक यूट्यूबर बनना तो सिर्फ और सिर्फ गाइस अपने कंटेंट पे ध्यान दो। मैं अपने कंटेंट पे ही ध्यान देता हूँ, मतलब एक वीडियो डालता हूँ फिर दूसरे की तैयारी फिर तीसरे की तैयारी। मैं कभी ये सोचता ही नहीं हूँ कि ये वीडियो पे व्यूज़ कितना जाएगा, रीच कितना मिलेगा, कितना इससे इनकम आएगा, कभी भी ये नहीं सोचता हूँ। आप भी ये मत सोचना, आप सिर्फ वीडियो डाल के भूल जाओ व्यूज़ कितना आएगा, क्या कितना आएगा, कुछ मत। आपको बस खाली अपना काम बढ़िया से करना है, आपको आपको डिस्क्रिप्शन अच्छे से लिखना है, टैग टाइटल थंबनेल अच्छे से बनाना है, बाकी वीडियो हर एक चीज में जानकारी अच्छी देनी है वीडियो में, उसके बाद आप भूल जाओ व्यूज अपने आप आएगा। भगवान भी बोलता है कि बेटा तुम मेहनत करो, फल का चिंता मत करो, हम तुम्हें देंगे। तो जो भी यूट्यूबर भाई लोग हैं, बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगा कि गाइज आप लोग बस लगे रहिए, मेहनत करते रहिए लगातार, एकदम कंटिन्यू, बिना थके बिना रुके बस वीडियो डालते रहिए। एक ना एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी, चाहे आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो बनाते हो, बस वीडियो डालते रहो, वीडियो को रोको मत। आप लोग क्या करते हो, एक एक हफ्ता एक एक महीना रोक देते हो वीडियो, तो गाइज ऐसा मत करो, कंटिन्यू रहो अपने चैनल पे। आपको भी डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि पहला पेमेंट भी यूट्यूब का मिलेगा और आपको पैसा भी मिलेगा और आपको नेम फेम प्यार सब चीज मिलेगा और आप भी एक दिन कामयाब यूट्यूबर बनोगे। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि कोई भी आप काम करते हो, जरूरी नहीं है यूट्यूब ही करते हो, अगर आप ब्लॉगिंग भी करते हो तो उसमें भी गाइज आप कंटिन्यू रहो। हर एक चीज को आप कोई भी काम करोगे गाइज उसमें आप कंटिन्यू रहोगे, सच्चाई के साथ करोगे तो डेफिनेटली आपको एक दिन तरक्की मिलेगी। मेरा 21 तारीख को पेमेंट गूगल एडसेंस से रिलीज हुआ था, 23 तारीख तक मेरे बैंक अकाउंट में आ गया। सो गाइज ऐसे आपका भी पैसा आ सकता है। तो ये था मेरा 3 महीने का पूरा जर्नी। तो आई होप गाइज आप लोगों को थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला होगा, क्योंकि मोटिवेट करने के लिए हर यूट्यूबर अपना पहला इनकम दिखाता है, क्योंकि जो भी यूट्यूब पे नए वीडियो बनाना शुरू किए हैं लोग, उनको थोड़ा मोटिवेशन मिले कि हाँ यार इससे पेमेंट आता है और लोग इससे अचीव किए हैं। तो इसीलिए मैं भी ये वीडियो बना दिया, ये मेरे टॉपिक से हट के था लेकिन मैं फिर भी वीडियो बनाया कि आप लोग जो भी नए यूट्यूबर बनना चाहते हो या जो बन रहे हो या जो बहुत दिन से लगातार कंटिन्यू लगा हुआ है लेकिन उसका पेमेंट नहीं आ रहा है, वो थक गया है, तो थोड़ा सा वो मोटिवेट हो जाए। तो गाइज थकना नहीं है, रुकना नहीं है, ये जिंदगी में आपकी जीत होगी ही होगी, बस आप लगे रहिएगा, वीडियो बनाते रहिएगा, लोगों को अवेयर करते रहिएगा, डेफिनेटली आपका पहला दूसरा तीसरा चौथा आपको तो इतना यूट्यूब से पैसा मिलेगा कि आप परेशान हो जाओगे गिनते गिनते। तो यही तो गाइस आज के इस वीडियो में, आई होप गाइस आप लोग हमारा वीडियो पसंद आएगा, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। चलिए मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम।